गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? एंड आई थिंक एब्सोल्युटली हैज बीन फाइन। और अब सभी लोग जानते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी की अलग अलग चैनलों ने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर यदि आप लोग देखेंगे भी तो कट ऑफ आपको यार वो राउंड अप करती नजर नहीं आ रही है। लोग वही 50 से 55 के बीच में फिनिश अप लाइन जो है वो बताई जा रही है। तो लगभग आप मान के चलिएगा कि उतना ही रहेगा। अगर आपने तमाम चैनल्स बिगर्स जो देखे होंगे या फिर न्यूअर्स भी देखे होंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फर्मली नज़र आई होगी कि जो कट ऑफ है वो वहीं 50 से 55 के आसपास आपको घूमती हुई नज़र आएगी। यदि इससे आप ऊपर हैं यू आर बेस्ट। और लर्नर जो है वो हमेशा बेस्ट करता है, अपना बेस्ट करता है, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में जब तक आप सीखते हो तब तक आप आगे बढ़ते हो। जिस दिन आपको लगता है कि आई नो एवरीथिंग हियर तो वहीं पर आपका ना सर्वनाश भी वो निश्चित होना शुरू हो जाता है। जिनको लगता था कि वो बिग हैं आप देख सकते हो कि वो 30 से 35 के बीच में सलट गए। काम उनका खत्म हो चुका है, यात्रा उनकी हो चुकी है समाप्त। अब जो नए हैं उनके लिए क्या रहेगी, आगे की बात कैसी करनी है, आपको तैयारी प्रिपरेशन जो है अब उसमें कैसे आपको बैकबोन लाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो गधे गधे थे ना वो दूर हट चुके हैं। अब जो रेस है उसमें सिर्फ घोड़े नजर आएंगे और इन घोड़ों के बीच में वो ही जीतेगा जो चेतक बन के निकलेगा। अगर आप भी चेतक बनना चाहते हैं तो अभी आपको पता है कि सिलेबस जो है वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। और जो मेंस का सिलेबस जारी किया गया है तो आप देखेंगे डज नॉट हैव अबाउट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, मतलब कि वो इतने बदलाव किए भी नहीं है, करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप ज़्यादा ना देखते भी नहीं है उस तरफ, क्योंकि लगभग तो चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। आपने छोड़ा तो कुछ है भी नहीं, तो नए आने की उम्मीद थी भी नहीं। तो एक जो नया अपडेट है वो इसमें ये जोड़ दिया गया है कि अब जी हाँ अब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू डूइंग वेल इन द मेन्स एग्जाम। तो फर्स्ट तो अपने दिमाग में रखना कि अब भैया नेगेटिव है अब, और नेगेटिव से निकलना है बाहर तो क्या क्या आप लोगों को करना है, चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया है, और जब भी आपसे सब्सक्राइब करने कहते हैं कि आपका भी यही हाल होता है, लेकिन जी हाँ वो बिल्कुल सही भी है हाल होना भी, क्योंकि लोग भी आप लोगों के लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप लोगों की खुशी, आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का पावर हमें बूस्ट देता है कि हम यार और ना बेहतर ढंग से सामने आए, आप लोगों के लिए और भी क्या करें, हार्डवर्क करें। बिगर्स इन द गेम्स, और क्या क्या यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव कितने सही है, इसमें आपको अब कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो आपको पता चल गया है कि ईजी नहीं होने वाला है पेपर, क्योंकि अभी थोड़ा सा और हार्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पासिंग की है वो ज़्यादा की है और 4000 के आसपास ये पद है। तो फिर आपको अब जो है ना अब वो लड़ाई जो है वो घोड़ों वाली है। तो एक बार मैं आपको सिलेबस एक बार फिर बता देता हूँ फटाफट से, फिर आपको रणनीति बताऊँगा कि कैसे ना आग लगानी है आपको, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट्स हैं आप स्टडी करोगे इन पे, और यहाँ पे कवरिंग टाइम जो है, खास करके जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं निकाली आपके पास, एनसीईआरटी प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक कन्फर्मेशन कोड मिलता है। जब कहीं आपको लगता है कि आप डेट में फंसते हो 18-21 जून, तो वहाँ आपको वो चीज़ें मिलती हैं यार, और वहीं से उनको माना जाता है। इसलिए एक्चुअली सेशंस आप वहीं जाइए, फटाफट से उस काम को आप लोग कीजिए। आप लोग अब स्क्रीन पर देखिएगा तो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 में ये जारी हुई थी। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम हमने जारी कर दिया है, ये बोर्ड कह रहा है, मैं को कह रहा हूँ, मैंने कौन जारी, ठीक है। पहले आपके 100 अंक थे, इस बार क्या कर दिया गया है, प्रश्न पत्र जो है वो अधिकतम 100 अंकों का रहेगा, ये पिछली बार था अभी भी वही है, लेकिन प्रश्न अवधि जो है वो 2 घंटे की रहेगी, लेकिन प्रश्न जो पत्र होंगे जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे। अभी भी जो क्वेश्चन आएंगे ये RS और उसके मेंस की तरह नहीं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, IAS तरह को लिखना नहीं पड़ेगा, वही जो आपके क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि 1/3 अंक अब आपका काटा जाएगा यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है और इस अपडेट का आपको ध्यान जरूर रखना है जब आप बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत भारी पड़ती हैं।
और यही गलतियाँ तो आपको करनी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम जो है उसमें क्या किया गया है। भैया समसाई का ना मतलब वो तो आप पढ़ ही लीजिए, लगभग लगभग राज्य की और राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये तो आप लगभग लगभग पढ़ते हो, और फिर जो गौरव सर से जुड़ा हुआ है उनको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो भैया ओवरऑल आप तो ना एवर ग्रीन हो, कहीं आ जाओ आप तो छोड़ने वाले हो भी नहीं, तो तोड़ोगे नहीं तो आप तो वैसे भी नहीं छोड़ोगे, तो ये तो आपके लिए पोर्शन बात करने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब तक गौरव सर है यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस सेशन इज बिन क्लियर फॉर यू। आगे चलते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यहाँ देखोगे विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान पर्वत और महासागर, कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही महासागर पर्वत आप लोगों को, लेकिन उनकी विशिष्ट जो बातें हैं वहां से क्वेश्चन उठाता है, आप लोग पूरी चीजें पढ़ ले और उनमें से जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट